प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को और भारतीय शेर मेजर गौरव आर्य को। आरजू काजमी इसमें काफी बेहतरीन और मजेदार सवाल पूछेंगी जिसका गौरव आर्य अपने अंदाज में जवाब देंगे। तो इस वीडियो में आपको काफी मजा तो आएगा पर काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि क्या करना है, तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। डॉक्टर जयशंकर ने बात की, उन्होंने उनकी अगर स्टेटमेंट को लिया जाए तो ये समझ में आता है कि यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उससे कुछ नाराजगी लगती है। और एक जगह ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी भारत के साथ किसी कंट्री का थोड़ा बहुत टेंशन होती है तो फर्न कह देते हैं, वो कंट्री कह देती है अच्छा तो फिर हम क्या सोचें, कश्मीर के बारे में बात करें क्या, मतलब वो बीच में फिर कश्मीर को क्यों ले आते हैं। पाकिस्तान को एक तरह का फेवर दिखाया जाता है कि अगर भारत ने बात नहीं मानी तो पाकिस्तान को फेवर दिया जाएगा। आरजू जी, आपने अमेरिका की लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ी है अभी जो आई थी कल परसों? नहीं पढ़ी। आप जरा उसको पढ़िए। आप ही के शो में परसों आप पूछने के ना मुझसे कि बड़ा ग्रैंड वेलकम करा था और बड़ा ये वेलकम करा था और बड़े आगे दो घोड़े पीछे दो घोड़े बीच में तीन हाथी और बड़ा सबको बड़ी इज्जत बख्शी थी और ये पाकिस्तान को वो सब, और पाकिस्तान के काफी दोस्त कह रहे थे। आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। देखिए बात ये है कि ज्यादा बड़ी नहीं है, यू कैन गो थ्रू इट एंड देन वंस यू रीड इट यू विल रियलाइज अर्जुन जी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जब कभी भी कोई मुल्क, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? पाकिस्तान आज की तारीख में चाइना के कैंप में है, ठीक है? सब लोग मानते हैं, सब लोग चाइना के कैंप में, सब पाकिस्तानी मानते हैं, काफी तो खुश भी है कि चाइना के कैंप में। आपके ऊपर अमेरिका से प्रेशर है ना, दुनिया भर से प्रेशर है ना आरजू जी? तो मैं ये कह रहा हूं कि अब जब प्रेशर आपको लेना ही था दुनिया से, जब प्रेशर तो होगा, अगर आप अमेरिकन कैंप में होते तो चाइना से प्रेशर होता। अगर इंडिया न्यूट्रल है और फिर इंडिया के ऊपर प्रेशर है तो क्या प्रेशर तो सबके ऊपर होना है? तो क्यों ना अपनी इज्जत बरकरार करके सीधा चला जाए विदाउट गोइंग इन टू अ कैंप। कल हम अमेरिका को बोलते हैं कि ठीक है सब बढ़िया है, अमेरिका फिर 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेगा और सब कुछ करेगा, यहाँ पे सब कुछ करेगा, लेकिन हमने मना कर दिया, हमने बोला नहीं चाहिए, हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट ठीक है, जो हमें ठीक लगता है वो करेंगे, तो बोल दिया, सबको बोल रखा। और आज से नहीं, ये इंडिया डे वन से कर रहा है, ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। वो तो इसलिए ना क्योंकि आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आप ये बात कर सकते हैं, पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो अभी भी दूसरे पैसे से चल रहा है ना, किसी ना किसी से लोन लेके, इसलिए ये हो सकता है कि ना कर पा रहे हो। ये गलत है। ये पाकिस्तान में हर एक पाकिस्तानी से पूछिए कहता है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, ये सब ये गलत बातें हैं। जब इंडिया की आरजू जी इकोनॉमी बड़ी नहीं थी, जब इंडिया का मार्केट इतना बड़ा नहीं था, जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे, तब भी इंडिया ऐसे ही था। अगर आप सोच रहे हैं ये मोदी जी ने क्या करा, मैं आपको बताता हूं। मोदी जी एक रेस्टलेसनेस, एक अग्रेशन, एक स्पीड, एक डिलीवरी, एक विजन ये लेकर आए हैं, ठीक है? जो गाड़ी 40 पे चल रही थी वो 140 पे चल रही है, ये फर्क है। स्पीड बढ़ गई बहुत ज्यादा। बट अगर मैं आपसे और बातें बोलूं, अमेरिका के पास हर समय रशिया से ज्यादा पैसा था, राइट? हमारे लिए आसान नहीं था कि हम जाके वेपन्स अमेरिका से बोलें कि हमें दे दीजिए, हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं, आपको चाइना से प्रॉब्लम है। 60s-70s में भी तो चाइना के खिलाफ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी अमेरिका की, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी। हो सकता है हमने नहीं करा। तो बात इकोनॉमी की नहीं है आरजू जी। और ये जो इकोनॉमी के बारे में इतने पाकिस्तानी बोलते हैं कि इकोनॉमी अच्छी, ये किसने अच्छी करी? अमेरिका ने थोड़ी ना अच्छी करी, तो हमने खुद अच्छी करी है। तो अगर हमारी मेहनत हमारे पसीने के पैसे हैं तो फिर हम इस पर गुरूर क्यों ना करें? तो हमारे कमाए हुए हैं, हमें थोड़ा ना किसी ने खैरात में दिए पैसे कि जी आप ये पैसे ले लीजिए, हमने कमाए हैं, अपनी मेहनत से कमाए हैं। पर ऐसी भी रातें थी जब यहाँ पे लोग पेट पे पत्थर बांध के सोते थे, तो वो हम भूले थोड़ा ना है। और रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया को सपोर्ट करेंगे जहां तक हमें लगेगा कि रशिया ने जायज करा है। जब रशिया से बात करनी होती है तो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अकेले कमरे पे नहीं, जैसे इमरान खान साहब कहते थे शिनजियांग के बारे में, हमने चाइना से अकेले कमरे में छुप के नहीं, सबके सामने एसईओ में बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर्स, आप लड़ाई वड़ाई ना करें, गलत है, वो भी बोला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ये वेस्ट कंट्रीज ये चाहती हैं कि हम रशिया को कंडेम करेंगे, तो रशिया को कंडेम नहीं करेंगे, है ना? आज
जो कल का दोस्त है आज हमारे पास पैसे हो गए तो हम पुराने दोस्तों को भूल जाए, ऐसा कैसे, ऐसा थोड़ी ना होता है, दोस्त फिर दोस्त होता है। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ अगर हम दोबारा डॉक्टर जयशंकर की बात करें तो उन्होंने यूएन के लिए भी कहा है कि उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, और उसके बगैर उन्होंने कहा इनरेलीवेंट हो जाता है, तो आपके ख्याल से कहाँ तक ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आप भारत के बिना कोई भी वर्ल्ड बॉडी आज की तारीख में इनकम्प्लीट है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, नंबर 5 पे है, लोग कह रहे हैं अगले 4 या 5 साल में नंबर 3 हो जाएगी। अगले 2 साल में वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन होगा, चाइना को पार कर देगा पॉपुलेशन के साथ उसमें, ठीक है। आप भारत के बिना तस्वुर भी कैसे कर सकते हैं, आप क्या क्या ये बनाते हैं G7, G8, G9, G10, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये कोई भी G20 तो कर है ही भारत, और G8 में भी G7 करके भारत को लेने की बात चल रही है। लेकिन आप कुछ भी ले लें वर्ल्ड में, आज की तारीख में हमने अपनी पोजीशन ऐसे कर ली है कि कोई भी वर्ल्ड की बॉडी है इट लुक्स इनकम्प्लीट, जो ग्लोबल बॉडीज हैं इट लुक दे लुक इनकम्प्लीट विदाउट इंडिया। ये क्यों, यूनाइटेड नेशंस देखिए, यूनाइटेड नेशंस कब बना था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, 1945 के बाद बना था, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है 1945 में गठित हो गई है, ठीक है, और उसके 5 मेंबर्स हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। अब ये जो चीजें हैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये जो 5 हैं ये 1945 की सच्चाई दर्शाते हैं आज, या आज की सच्चाई थोड़ा ना दर्शाते हैं। यू हैव टू चेंज ना, यू हैव टू चेंज। इंडिया इंडिया इज अ सुपर पावर इन वेटिंग, कोई मना नहीं कर सकता इसमें। आप इकोनॉमी के लिहाज से देख लीजिए, डिप्लोमेसी के हिसाब से देख लीजिए, मिलिट्री के लिहाज से देख लीजिए, हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में उनके लिहाज से देख लीजिए, तो ये तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक वहां पे इंडिया नहीं आएगी विद फुल वीटो पावर्स, जब तक इंडिया नहीं आएगी तब तक वो ठीक है। सब लोग चाहते हैं चाइना रोक के रखा है क्योंकि चाइना का अपना इंटरेस्ट है रोकने में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। सर, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ख्याल से कि जैसे जैसे भारत आगे जा रहा है थोड़ा सा अग्रेसिव किस्म के रिस्पांस दिया जा रहा है बाकी कंट्रीज को, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मतलब यूरोप को भी, साथ साथ अमेरिका को भी, चाइना को भी, आपके ख्याल से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहे हैं? थोड़ा सा संभल के या ऐसे चलना चाहिए आपके ख्याल से, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए भारत को? अर्जुन जी, बहुत बैलेंस करके और बहुत संभल के भारत चल चुका है आज तक, आजकल बैलेंस करके ही चल रहा था। अब भारत में बहुत इम्पेशेंस है, अब भारत में वो पेशेंस नहीं है कि हर चीज संभल के, अमेरिका कुछ बोलेगा अमेरिका को जवाब मिलेगा। हमने कोई, आप एक मुझे बात बता दीजिए जहां पे भारत ने, मतलब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की, कहा डॉक्टर जयशंकर ने कोई झगड़े की बात करी हो किसी से, कोई लड़ाई शुरू नहीं, करने की झगड़े बात, की बात करने के लिए वो करने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा होती, हूं। लेकिन आपका लहजा होता है ना, लहजा होता हाँ है। ठीक है, देखिए लहजा हमारा, ये लहजा कमाना पड़ता है अर्जुन जी, जो एटीट्यूड है ना, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि ये जो एटीट्यूड है भारत का, ये जो लहजा है भारत का, ये बहुत अंगारों पे नंगे पैर चल के कमाया है भारत ने, अभी लहजा छोड़ेगा नहीं भारत। ये आया कहां से? अच्छा चलिए, मैं आपको, आप कहती हैं लहजे की बात कर रही हैं, आया कहां से लहजा? ये आया तब क्योंकि भारत ने बड़ी परेशानियां देखी, भारत ने परेशानियां देखी, भारत ने अपना हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे, और आज की तारीख में जब भारत जीतने लगा है और जीत की राह पे अग्रसर है, जीत की राह पे आगे चल रहा है, ठीक है, तब लोग कह रहे हैं साहब आप ऊंची आवाज में क्यों बात करते हैं? क्यों ऊंची आवाज में? सिर्फ अमेरिका बात कर सकता है, सिर्फ जो गोरे मुल्क है वो बात कर सकते हैं। आप एक बात बताइए आरजू जी, कभी पाकिस्तान से कभी किसी ने पूछा चाइना को कि आप में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया है, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? चाइना से तो नहीं पूछते, क्योंकि इंडिया से लोगों को ऐसी तवक्को थी कि भारत जब भी बात करेगा हाथ जोड़ के सर झुका के, ठीक है, बट यही चीज है कि अब भारत का ना वो अब सर नहीं झुकता और हाथ सिर्फ दोस्तों के सामने जोड़ा जाता है, और जो उल्टी बात करेगा फिर उसको उल्टा जवाब मिलेगा। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आपने बड़ी, देखिए मैं बता रहा हूं, बहुत कुछ गंवा के आरजू जी, बहुत कुछ खो के ये कॉन्फिडेंस पाया है इंडिया ने, ये किसी अमेरिका ने हमें मुफ्त में नहीं दिया, खैरात में नहीं दिया, बहुत हमने ये कॉन्फिडेंस, वो मैं दिन जानता हूं जब इंडिया ने, मैंने देखा था, मैं बहुत छोटा था जब कितनी प्रॉब्लम्स थी यहां पर। आई विल टेल यू आरजू जी,
माय फादर वाज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, और जैसे आईपीएस हमारे जो पुलिस के एक कार्डर होता है, स्टेट कार्डर मतलब स्टेट में जाते हैं लोग, लेकिन इट्स एन ऑल इंडिया थिंग, लाइक आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस. डॉक्टर जयशंकर इज फ्रॉम द आईएफएस. तो आई रिमेम्बर आई ज्वाइन द एकेडमी इन 1993. उस समय मेरे फादर एक फोर्स है, आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस. मेरे फादर उसके डायरेक्टर जनरल थे. माई फादर वॉज इक्विवेलेंट टू अ थ्री स्टार जनरल. Equivalent to, right. Because general is a word used for the army, it is not used for police officers. But आपको समझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात आराम से लोग समझ जाएं, he was equivalent to, my father could not afford to give me a motorcycle. उनके पास नहीं थे पैसे. He was an honest police officer, उनके पास नहीं थे पैसे. मैंने लोन लेके अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदी जब मैं मऊ गया वायो कोर्स करने के लिए 1994 में. मैंने पैसे लिए, मैंने अपनी बाइक खरीदी, कावासाकी बजाज खरीदी थी मैंने सबसे पहले. एक अपनी बाइक मैंने ली थी उस समय, वो मेरी पहली बाइक थी. तो मैंने ली, माय फादर कुड नॉट गिव इट. तो हमने वो दिन भी देखे हैं जहां पे एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो कि डायरेक्टर जनरल थे एक फोर्स के, एक नेशनल फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे, ही कुड नॉट गिव हिज सन अ मोटरसाइकिल. थी हमारे हमारे तो उस समय थे, हाल ऐसे थे हमारे देश के. आज की तारीख में आप बताइए, आज की तारीख में तो ये सब जो चेंज हुआ है. And I'm very proud of my father. बिल्कुल. Because नहीं ईमानदार थे, नहीं दे सकते. It's all right, yeah. क्या क्या पढ़ा था पैदल. हाँ होना भी. हम पैदल चले. मैं स्कूल साइकिल जाता था चला के. मेरे पास एक BSA SLR साइकिल होती थी. उस जमाने में आई थी 900 रुपए या 1000 रुपए की. वो साइकिल चला के मैं स्कूल जाता था. करीब 5-7 किलोमीटर जाता था. 5-7 किलोमीटर साइकिल चला के आता था मैं धूप में. लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ अर्जुन जी. इशू ये है कि बहुत ऐसे लोग थे इंडिया में जिन्होंने सड़कों पे जिंदगी बिताई है. और बहुत आसान होता है इंडिया का अमेरिका को बोलने का कि इतना बड़ा मुल्क है आ जाओ अंदर. वी नेवर टुक द इजी पाथ. हमने आसान रास्ता कभी नहीं चुना अपने लिए. इस मुल्क ने कभी आसान रास्ता अपने लिए चुना कि चलो ये दे दो हमें फिर ये कर लो. नहीं. तो ये जो आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस यहां से आता है अर्जुन जी. ये कमाया बिल्कुल आना भी चाहिए. नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि मैंने खुद तकरीबन इसी किस्म की लाइफ गुजारी है. मेरे फादर भी जैसे जर्नलिस्ट थे और बड़े ईमानदार जर्नलिस्ट थे. लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं आपकी तरह समझती नहीं थी जैसे आप अपने फादर की बात को समझते थे. कि मुझे लगता था उनके साथ के जो जर्नलिस्ट हैं या उनके जो जूनियर्स हैं उनके बच्चों के पास जो चीज़ें वो हमारे पास क्यों नहीं है. लेकिन आज जब मैं खुद जर्नलिज्म में और मैं खुद उसी तरह से काम करती हूँ जैसे मेरे फादर काम करते तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है अब समझ आई कि ये काम करने में ज्यादा रिस्पेक्ट भी है और ज्यादा मजा भी इसी में आता है कि आप सच बोलें और सच का साथ दें. लेकिन एक चीज मेजर साहब, यहाँ से हम दोबारा इंडिया पाकिस्तान पे अगर आए तो एक मॉस्किटो नेट जो है उसकी बात की जा रही है बिकॉज यहाँ पर फ्लड विक्टम्स हैं बहुत ज्यादा. तो कहा जा रहा है जैसे मैंने मच्छरदानी भी बोलते हैं कि वो इंडिया से लेने के लिए एग्रीमेंट हुआ है और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हाँ जी हम खरीद रहे 62 लाख से. इस तरह से आपको लगता है कि इसके साथ ही साथ दोबारा से मजीद ट्रेड के लिए भी राह हमवार हो जाएगी और ट्रेड की तरफ भी जाएंगे. मुझे लगता नहीं है आरजू जी ये स्पेशल कुछ वेवर दिया होगा अगर ये बात है. मैंने भी पढ़ा इसके बारे में, डिटेल में मैं जा नहीं पाया, माफ कीजिएगा. लेकिन आरजू जी ऐसा है कि यू नो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि किस सेक्शन के तहत या किस कानून के तहत ये बात इंडिया ने हाँ भरी है. लेकिन मुझे लगता है ये फ्लड्स के लिए इंडिया अग्री हुआ है बिकॉज एक एक्सट्रीम सिचुएशन है पाकिस्तान में. लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ट्रेड शुरू होगी. मुझे मुझे मुश्किल लगता है काफी. मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं होगी कि बिकॉज मोदी जी का मन तो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया. वो मतलब अचानक ही होता है इंडिया में जो भी होता है. अचानक एक दिन खबर आ जाती है कि मित्रों ठीक है आप मुजफ्फराबाद बिना वीजा के जा सकते हैं. मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा मैं ऐसी बात करूँ. ठीक है तो मोदी जी का कुछ पता नहीं है. लेकिन आई डोंट नो, मुझे मच्छरदानियों के बारे में इतना आइडिया नहीं है आरजू जी. बट लेट्स सी, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप. क्योंकि वो मैं सिर्फ जो 4 करोड़ परेशान लोग हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए. मैं फिर बार बार कह रहा हूँ काफी हिंदुस्तानी डिसएग्री करते हैं मुझसे. पर मैंने बोला ठीक है भाई अपनी अपनी राय है. मेरी राय है कि वो जो परेशान हैं जो मुफलिस हैं जो
गरीब हैं बेचारे, जो फ्लड से सबका सब कुछ ठीक है, व्हाई नॉट, बट ओवरऑल एज अ कंट्री टू कंट्री मुझे लगता नहीं है कि ट्रेड होगी आज। मुझे बिल्कुल ठीक, लेकिन खैर कुछ भी हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान से आप कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं। मगर लास्ट में मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी गौरव जी, के आपको फ्यूचर क्या लग रहा है इमरान खान का? और जैसे फैज हामिद को लेकर काफी कहानियां चली, इमरान खान और फैज हामिद और साथ ही आसिफ गफूर, उनको कैसे भूला जा सकता है, जो कुछ वो ट्विटर पे लिखा करते थे। तो आपके ख्याल से कि इनका क्या फ्यूचर है, ये तीनों मिलके फिर कुछ कर पाएंगे, या ये कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो आपको यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता नहीं है कि खान साहब का, देखिए मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है अर्जु जी कि मैं कुछ प्रिडिक्ट कर पाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके जो मजबूत जो उसके पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, कहीं ना कहीं इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आर्मी चीफ जो होंगे नवंबर 28 को या 30 को 29 को, जब भी बनेंगे नए आर्मी चीफ, वो डिसाइड करेंगे फ्यूचर कोर्स। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूं अर्जुन जी, आपके आंसर का, आपके सवाल का जवाब यही कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई डोंट नो ये क्या होगा। लेकिन आप एक अंदाजा तो दे सकते हैं। मुझे लगता, मुझे कम चांसेस लगते हैं। इमरान खान बन भी सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं। इमरान खान ने बहुत ज्यादा कह दिया, बहुत ज्यादा उनको, जिसको कहते हैं ना कि एक कभी भी एक 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 लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कई बार लक्ष्मण रेखा पार कर दी। उनको देखिए हर चीज का रिपरकशन होता है। उनको ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ कुछ नहीं कह रहा इसलिए आर्मी चीफ आपका डर, ऐसी बात नहीं है। जब समय आएगा तो एक्शन होगा, और फिर अचानक होगा एक दिन रात को, अगले दिन पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज सीधी आएगी कि ये हो गया है। और ऐसा पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। अचानक एक दिन खबर आई थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो गॉन, एक दिन अचानक खबर आई थी कि 10 साल के लिए जद्दा चले गए नवाज शरीफ साहब। ये अचानक खबर आएगी जिस दिन आर्मी चीफ को लगा कि हाँ अब चांस है। अभी वो देखिए अभी कुछ कह नहीं रहे, तो लोग कई कुछ कह रहे हैं कि क्या हो सकता है, कुछ कोर कमांडर इमरान खान का सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये भी थ्योरी है, दूसरी थ्योरी ये अर्जु जी की, यू नो मे बी पीपल आर यू नो क्वाइट दिस थिंग, कि लोग कुछ इस वक्त कमिट नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि किस तरफ ऊंट करवट लेके बैठेगा तो नोबडी नोज, ये भी चक्कर है। तीसरी चीज ये भी बहुत बड़ी है कि भाई इमरान खान जो है, हो सकता है इमरान खान बन जाए, हो सकता है बनी जाए। लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के बारे में, मुझे लगता है चांसेस कम है। मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल जीरो तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है चांसेस कम है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है इमरान खान का। अब उसने बहुत ज्यादा गंद मचा दिया है। बिल्कुल, और उसमें एक जो आपकी वीडियो में मैं देख रही थी कि जुल्फी बुखारी वाला आपने जिक्र किया था मोहम्मद बिन सलमान को लेके, शायद वो ब्लंडर भी शामिल है जिसमें जी आपकी हाँ दूसरी ये वीडियो हाँ थी। जी ये हर चीज में ये लोग, मैंने एक बात देखी है, इनको ये समझना चाहिए कि जब आप किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो देयर शुड बी अ सेंस ऑफ ग्रेविटास। आपकी पॉलिटिक्स क्या है, पर्सनालिटी ओरिएंटेड, भारत में भी होती है, अमेरिका में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इट्स ओनली लाइक इट्स रन लाइक अ फैमिली अफेयर। जैसे खानदान की पॉलिटिक्स चल रही है, बिरादरी की पॉलिटिक्स चल रही है, वैसी मुल्क की पॉलिटिक्स चल रही है। ठीक है, एमबीएस जो है वो इमरान खान का दोस्त नहीं है। जब ये मीटिंग हुई थी दो हेड ऑफ स्टेट थे, तो इमरान खान को अपने आप को वैसे ही कंडक्ट करना चाहिए था जैसे दो हेड ऑफ स्टेट एक दूसरे को कंडक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे को दूसरे के सामने कंडक्ट करते हैं, मुझे ये कहना चाहिए हेड ऑफ स्टेट के सामने। ये यारी दोस्ती ये जैसे लफाड़ियापन, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं देता, बिकॉज ना इससे क्या होता है, मुल्क की इमेज खराब होती है। इंसान की तो होती होती है, मुल्क की इमेज खराब होती है, थोड़ा सीरियसनेस होनी चाहिए। लेकिन वो इमरान खान में फिलहाल अभी भी नजर नहीं आ रही। आज भी वो नारे लगवा रहे थे, लोगों से हलफ ले रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ना सिर्फ जो सामने खड़े थे प्ले कर रहे थे, जो टीवी देख रहे हैं वो भी करें। तो एनीवे ये यहाँ पे चलता रहता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, फिर जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।